ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अगर कहीं सेलेक्ट किया है राहुल जी ने, वो असंद क्या विधानसभा को सेलेक्ट किया है? चाहे तो विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, क्या जाट वोटरों को साधने के लिए उनको टिकट दिया गया, क्या मानते हैं आप? गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, सभी के नेतृत्व में यह टिकट जो बांटी गई थी, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं करनाल के असंद विधानसभा से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा समेत तमाम नेता आज करनाल के असंद विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं, ये एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे राहुल गांधी, आज जो हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार असंध विधानसभा से शुरू कर रहे हैं, कितना असर मानते हैं राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में आज से प्रचार शुरू करेंगे तो? ये असर आपको दिखाई देगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, और देश की 150 करोड़ जनता आज ये देख रही है कि भाई 90 की 90 विधानसभा में से अगर कहीं सेलेक्ट किया है राहुल जी ने, वो असंद क्या विधानसभा को सेलेक्ट किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई हमारा जो प्रत्याशी है तो उसको जो शीर्ष नेतृत्व ने उनको विश्वास जताया पिछले 5 साल का, उनकी सेवा देख के, कार्यकाल देख के, और उनकी बखूबी विधानसभा के अंदर लड़ाई को देख के हुए, तो ऐसा ही विश्वास और राहुल जी ने भी हमारे प्रत्याशी भाई शमशेर सिंह गोगी के अंदर जिताकर वो उन्होंने वहाँ से मन बनाया। और ये सौभाग्य की बात है करनाल जिले के लिए, एक करनाल की पावन धरा पर राहुल जैसा देश का गौरव, देश का लीडर और देश का अभिमान। वो प्रियंका गांधी भी उनके साथ उतरती है तो कितना असर मानते हैं? वहीं बात की जाए तो विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, क्या जाट वोटरों को साधने के लिए उनको टिकट दिया गया, क्या मानते हैं आप? मैं क्लियर करके बता दे चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, भाई असर तो हमारे कल्ले विधायक का भी कोई कम नहीं था। राहुल आया तो सोने पे सुहागा, प्रियंका गांधी आंदी है और सारे सीनियर लीडर आते हैं, तो यहाँ जन सैलाब जो आप देखोगे आपके चैनल के माध्यम से, दुनिया देखेगी आप, ये एक ऐतिहासिक आज ये बनने जा रही है रैली असंद की विधानसभा की, जो यहाँ पूरा कांग्रेस का सीनियर शीर्ष नेतृत्व तो सारा यहाँ आ रहा है। तो ये है गोगी के प्रति असंध की जनता का प्यार। क्या कुछ कहना चाहेंगे कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे समय बाद एक मंच पर दिखेंगे, क्या लगता है आपको कुमारी शैलजा की नाराजगी खत्म होगी? हाँ, नाराजगी खत्म होगी। कुमारी शैलजा, राहुल गांधी, इन्होंने जरा आपसे छोटी सी ठीक हो गई है, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे काम करेंगे और इलेक्शन को पूरा जिताएंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको बार बार जो है कुमारी शैलजा नाराज हो जाती है, आज तमाम नेता एक मंच पर एकजुट होंगे, लगता है नाराजगी कुमारी शैलजा की खत्म होगी? कुमारी शैलजा जी सीनियर नेता हैं कांग्रेस की, वो बिल्कुल किसी कभी नाराज नहीं हुई, ना आगे होंगी। उन्होंने क्लियर किया है कि वो प्रचार भी करेंगी और हर एक कैंडिडेट के लिए हरियाणा में जाएंगी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, बात की जाए तो कितनी सीटें मानते हैं आपकी कांग्रेस की आने वाली है इस विधानसभा में, हालांकि नतीजे जो है 8 अक्टूबर को आएंगे। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस से कुछ बागी लोग आ जाते हैं, बात की जा रही है चित्रा सवरवरा, अन्य नेता जो है, लगता है कहीं ना कहीं असर पड़ेगा कांग्रेस के वोट बैंक पर? कांग्रेस के वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 65 से 70 सीटें के लेकर क्लियर बहुमत से आएंगी। अच्छा, जो नाराज कई हैं जो बागी नेता बात कर रहे हैं, उनसे कितना असर पड़ेगा? जैसे चित्रा सवरा है कांग्रेस में, हालांकि पहले आम आदमी पे थी फिर कांग्रेस पार्टी में गई, कितना असर मानते हैं उसका? चित्रा सवरा जी के पिताजी चौधरी निर्मल सिंह जी को टिकट मिली हुई है, बाकी कोई बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीतेंगे निर्मल सिंह जी। चित्रा सवरा जी भी चलो आज़ाद प्रत्याशी खड़े हुए हैं, देखो उनका क्या होता है। बाकी कांग्रेस पार्टी से चौधरी निर्मल सिंह को टिकट मिली है अम्बाला से, वो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में बात की जाए तो किसे आप सीएम का चेहरा देखते हैं कांग्रेस पार्टी? मैं मेरे को बात है, इतनी मेरे मन में खुशी है, मैं तो बता सकते नहीं।
मेरे को 30 साल हो गए मैं कांग्रेस का पक्का वर्कर हूँ, इतनी मेरे मन में खुशी है मैं तेरे को बता सकते ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में किसे सीएम देखना चाहते हैं आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी की है, वो पार्टी की है, जो पार्टी हाईकमांड जिसको कहेगा हम खुश हैं बिल्कुल। ऐसे बात है मारे कांग्रेस मैं वर्कर कांग्रेस का पक्का 30 साल हो गए हैं, मारे में इतना फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, झूठ बोलते नहीं बिल्कुल बिल्कुल इतना फर्क नहीं लगेगा। कोई मारा जाट भाई है ना, मारा इतना संबंध थी ना, मैं था जो बता नहीं सकता, इन्हें ऐसा कराया ऐसा की तोड़ी तोड़ इतना मारा जाट गेले भाई गेले संबंध मारी रिश्तेदारी जाटों के साथ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज राहुल गांधी जो है यहाँ प्रचार के लिए पूछ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा जो राहुल के साथ प्रियंका गांधी आती है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आज हमारे असम शहर की पावन धरती पर श्री राहुल गांधी जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत है, और हमारी जो शहर की और विधानसभा की नागरिक हैं वो भी उनका अभिनंदन के लिए पूरी कई हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुँचेंगे और उनका भव्य अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में किसे सीएम देखना चाहते हैं कार्यकर्ता, क्योंकि कई दावेदार हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो ऊपर से हाईकमान का फैसला होगा हमारी हरियाणा की जनता को वो मान्य होगा, जो भी जिसको भी सीएम का ताज पहनाएंगे हमारी हरियाणा की जनता को पूर्ण रूप से मान्य है, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी ये मान्य है कि यहाँ भी जो भी सीएम बनेगा उसके साथ है पूरी जनता। अच्छा, टिकटों के वितरण पर देखा जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ज़्यादा चली है, अगर वो सीएम बनते हैं तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? टिकटों का जो वितरण हुआ था वो भी स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से हुआ था, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, सभी के नेतृत्व में यह टिकट जो बांटी गई थी, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जिसको मान ले कि जिसकी जितनी मजबूती से जो कैंडिडेट था जीतने वाला था उनको ही टिकट दिलाई गई है, ना कि किसी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से या बहन कुमारी शैलजा के कहने से। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, फिलहाल जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी बात रखी, अब देखने वाले दिन आने वाले दिनों में ये पता चल सकेगा कि आज जो राहुल गांधी की रैली की जा रही है उसका कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा। करनाल के असंत से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।